कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, बिना म्यूजिक के सब अधूरा है। क्योंकि म्यूजिक, आप इतना बड़ा चाम, इतना बड़ा सिनेमा बना रहे हैं, मगर उसका जो ओपनिंग होगा, वो एक फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग होगा, जो भी रोमांटिक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, जो भी आप लॉन्च करेंगे, उससे ही जो पब्लिक के अंदर बढ़ता है, क्रेज बढ़ता है, उसको जो दीवानगी होती है, तो वो उसका मतलब कुछ और होता है। वो उस टाइम पर्टिकुलर 4-5 सिंगर थे, उनमें से गाना घूम के आ जाता था, मगर आज वो आज उससे भी डिफिकल्ट वक्त आ चुका है। जैसे मैंने एक बार जिक्र भी किया, उसको बात को मैं रिपीट करता हूँ कि आज के गाने में म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, उसकी जो छब होती है ना गाने के अंदर, उसके अंदर वेरिएशन जो होते हैं, वो वॉइस जो है, वॉइस आज के वक्त में म्यूजिक की तरीके से जो फीलर होते हैं कि यार ये पार्ट, यार ये सिंगर का, पहले एक मुकम्मल एक गाना बनता था कि यार रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं, अब दूसरा कोई नहीं होगा।